नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक पेपर लेकर आए हैं जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए पेपर है। और यहाँ पर ये जो पेपर है, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है बोटनी का पेपर है, साइंस का पेपर है बोटनी का। और ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ है आपको, वो चलिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो आप सभी के भी इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आप सभी को मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ए है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन यहां पर दिए जा रहे हैं। तो पहले मैं क्लियर करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से, बायोफिल्म क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड है कि बैक्टीरियल कैप्सूल का बना होता है, बैक्टीरियल कैप्सूल है वो किसका बना होता है। इसके बाद सी है, बैंगन का लघु पर्ण रोग किस रोगाणु के कारण होती है। इसके बाद डी है, एड्स का पूर्ण नाम लिखे, यानी जो एड्स है उसका पूरा नाम आपको लिखना है। इसके बाद ई है कि ग्लाइको कालिक्स क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने जीवाणु के पराक्रमण प्रक्रिया का अध्ययन किया है। इसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम आप सभी को बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कैप्सोमियर को परिभाषित आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कोलेट्रोट्राइकम में उपस्थित फलन कहलाता है, यानी कि कोलेट्रोट्राइकम में जो उपस्थित रहता है जो फलन, उसको क्या कहते हैं। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर जैसे आई तक हो गया, आई के बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा वितरित टॉक्सिन का नाम आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के उस वर्ग का नाम बताइए जो आर्थ्रोपोडाज परजीवी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पादप विकृति विज्ञान में डाई बैक से आपका क्या तात्पर्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टेरी गेमाटा क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है, पौधों में क्लेविसेप्स ये क्या है, SPP से होने वाले रोग का नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी बोलने में दिक्कत हो सकती है। ओ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कप कवक का आपको वैज्ञानिक नाम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डोलीपोर सेप्टम में मौजूद होता है, यहाँ पर जो ब्रेकिट है यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्रेकिट को आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू नंबर का कि स्मट रोग की कोई एक विशेषता बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है, हाइमेनियम क्या होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे खंड ए खत्म हो चुका है, इसके बाद खंड ब स्टार्ट हो चुका है कि खंड ब का दूसरा क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में परिवर्तन संयुग्मन और परागमन की प्रक्रिया को व्याख्या करनी है या आपको समझाना है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, इन सब पर आपको संक्षिप्त नोट्स लिखना है। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इसके बाद नेक्स्ट है कि माइकोप्लाज्मा की आकृति विज्ञान और महत्व। देखो आर्थिक महत्व तो एक तो मैं बता सकता हूँ, जैसे लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है जो कि दूध को दही में परिवर्तन करता है। इसके बाद इस प्रकार से आपको लिखना है, संक्षिप्त नोट्स आपको लिखना है। जैसे कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि कवक का एसवर्थ वर्गीकरण आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, गोल्स और कैंकर के कारण होने वाले महत्वपूर्ण लक्षण आपको यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अथवा में है, तीसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु बक्सी की संरचना और गुणन को विस्तार रूप से आपको समझाना है। इसी के बाद दोस्तों ये सभी क्वेश्चन यानी कि बैखंड का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहां पर मैं बात करूं खंड की, यानी कि मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रूसीफर्स के श्वेत कीट रोग के चक्र और नियंत्रण उपायों का वर्णन आपको करना है। इसके अथवा में है फोर्थ के, यानी चौथे क्वेश्चन के अथवा में है, इनको इनके ऊपर आपको संक्षिप्त नोट्स लिखना है। एक तो एस्परजिलस में यौन प्रजनन के बारे में, दूसरा विभिन्न प्रकार के एस्को कार्पस का आरेखीय रेखाचित्र आपको बनाना है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एस्को कार्पस होते हैं उनका आपको आरेखीय रेखाचित्र बनाना है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि जो का आवर्त कंड रोग चक्र और नियंत्रण के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। इसी के बाद दोस्तों फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का अथवा का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है कि गेहूं के काले कीट रोग के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन आप सभी को करना है। ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि यहां पर मैंने आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट आपके लिए और भी पेपर आने वाले हैं, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट जो आपको पेपर चाहिए वो
किस सब्जेक्ट का, किस ईयर का चाहिए, आपको जरूर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बाकी देखो ये जितने भी पेपर है मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, सभी पेपर जितने मेरे पास पेपर आ रहे हैं सभी मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड बाय।